वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडा एक्स्ट्रा के टू वेरिएंट्स के बीच में। हम लेंगे एस ऑप्शनल एंड एसएक्स। इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में मैं फुल डिटेल कंपैरिजन करूंगा, इंक्लूडिंग इट्स एक्सटीरियर फीचर्स, इंटीरियर फीचर्स, सेफ्टी वाइज, इंजन, ट्रांसमिशन, मतलब कि हर एक डिटेल कवर करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाए। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों वेरियंट्स के एक्सटीरियर लुक्स को। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आपको इन दोनों गाड़ियों में LED DRLs प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ स्किड प्लेट मिल जाएगी डाउन साइड में, एंड आपको एस ऑप्शनल में नॉर्मल हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप एसएक्स लेंगे उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे विद ORVM, पर आपको एस ऑप्शनल में 14 इंच के स्टील व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद व्हील कवर्स। ऑन द अदर साइड अगर आप एसएक्स लेते हैं उसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स, एंड अगर आप एसएक्स में ड्यूल टोन ऑप्शन लेते हैं उसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। रियर प्रोफाइल में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में LED टेल लैंप्स, पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे, पर आपको SX में रियर डिफॉगर, स्पॉइलर जैसे फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे ओवर S ऑप्शनल। बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में रियर वाइपर नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रूफ की, रूफ में आपको S ऑप्शनल में सिर्फ नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आपको SX पे सनरूफ देखने को मिल जाएगा विद रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना। सो ये कंपैरिजन किया हमने इन दोनों वेरिएंट्स के एक्सटीरियर लुक्स के बीच में। जैसा कि आपने देखा, एसएक्स में आपको थोड़े प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ओवर एस ऑप्शनल। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के इंटीरियर को। सबसे पहले हम कॉमन फीचर्स की बात करते हैं। आपको इन दोनों वेरिएंट्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लाइक ऑडियो कंट्रोल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इंक्लूडिंग फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, पावर आउटलेट फ्रंट एंड रियर, एंड फ्रंट पे आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रियर पार्सल ट्रे, फोल्डेबल फ्लिप की। ये सब फीचर्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे एस ऑप्शनल में एंड SX में। अब बात करते हैं आपको SX में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको SX में लेदर एंड फैब्रिक सीट्स देखने को मिल जाएगी, उसके साथ मेटल फिनिश मिल जाएगी डोर हैंडल्स में, पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे AMT में, टिल्ट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा विद ऑटो AC, एंड आपको SX में रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। सो ये सब फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे SX में। बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में ना तो वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, ना डैश कैम, ना पुश स्टार्ट बटन। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। आपको इन दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे, मतलब कि इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स एकदम सेम होने वाले हैं, चाहे आप एस ऑप्शनल लो या फिर SX, आपको इन दोनों वेरिएंट्स में एकदम सेम सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी पावर है अराउंड 83 BHP @114 Nm ऑफ टॉर्क। पर एस ऑप्शनल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड SX में आपको MT देखने को मिल जाएगा, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन विद ऑटोमेटिक एंड CNG विद मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो SX में आपको वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू एस ऑप्शनल। सो ये था मेरा कंपेरिजन बिटवीन दीज टू वेरियंट्स। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हिंडा एक्स्ट्रा के कई वेरियंट्स के बीच में कंपेरिजन की है, जैसे कि ई वर्सेज ई ऑप्शनल, वो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो को इतना रखते हैं एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हैं।